गुलशन गुलशन चौधरी पंजाब दे जम्मू बॉर्डर नाल लगदे पठानकोट दा रहण वाला गुलशन अपने पेरेंट्स दा छोटा बेटा गुलशन चौधरी एक्टिंग जिसकी रग रग विच है एक्टिंग जिसकी रग रग विच है गुलशन चौधरी नमस्कार जी, मैं गुलशन का डैडी, मेरा नाम बाबू राम और मेरे धर्मपत्नी जी बैठे हुए हैं, नाम आशा रानी है। बाकी गुलशन का जरा भी शौक है वो छोटे होंदे तो ही करता रहा, तो अपने आप को अगे ले जाने की कोशिश काफ़ी करता है, तो हर कोई चाहता है और हर काम के अपना योगदान पाना चाहता, तो अं कहने कि साडा बच्चा उच्चा हो गए उच्चा बुलंदियों छूए देश का ना रोशन करे हर एक प्यार ना मिले। मेरा नाम आशा रानी, मैं गुलशन की मम्मा है और गुलशन बहुत छोटा सीगा जो तीसरी क्लास च पढ़ता ही, सब तो पहले उन्हें स्टेज पर गोल गप्पियां की शूटिंग वगैरह की और बहुत अच्छी तरह नाल प्रिंसीपल ने सारे ने उन्होंने प्राइज वगैरह दिते और उस दिन का ही उन्होंने शौक है, उस तो बाद हर रामलीला भी रोल करता है और बड़ा अच्छी तरह नाल स्टेज पर जाता है। बाकी वो बहुत शौक रखता है कि मैं मतलब कि टी वी जरूर आवं और मैं मतलब कि अपने अपने पापा का अपने ब्रदर का मतलब कि सारे का नाम उच्चा करा ये चाहता है, वो ख्वाहिश है। जो स्कूल तो आता सीगा मतलब कि टी वी लग्या होंदा ही तो मतलब कि उन्हें हमेशा टी वी ऑन कर देना और अपना काम स्कूल का करन बैठ जाना, मैनू यही लगता है कि इन कुछ नहीं आता ही सिर्फ टी वी देखता है कि मतलब कि यह पढ़ाई च बहुत निकम्मा है, तो उन्हें मैं उन्होंने यह कहना है कि गुलशन तू कुछ भी नहीं पढ़ता है तू हमेशा टी वी देखना है, तो गुलशन ने यह कहना है कि मम्मा मैनू बहुत शौक है कि मैं टी वी चाहवान जो भी कभी मतलब कि मैं टी वी भी चाहवागा जा टी वी मैं कुछ भी हो जाएगा तो तुम यह नहीं सोचना है कि मैं टी वी सचमुच ही यह हो गया है, उदो मैं उन्होंने चुक के इस तरह करके गल ना लगा लिया कि मेरे बच्चे भी हुनर है और अं बड़ी छोटी फैमिली तो इस तरह रेंदे है। बाकी अज मालिक ने सू गुलशन बेटा ही मेरा सू इत लैके आया है, मतलब कि कुछ घर की स्थिति इस तरह की हो गई कि जिदी वजह नाल गुलशन ने ही सू इतें पजाता है और मालिक की बहुत अच्छी कृपा आई कि अज अं ते सामने और तुम भी बेटा साढ़े इतना इंटरव्यू लैन वास्ते आए। हाँ जी, अं तो यही बोलने कि मेरा गुलशन इन्नी कु तरक्की करे इन्नी कु तरक्की करे कि वह मतलब कि जो भी वो मन की तमन्ना है ना हमेशा भगवान वो तमन्ना पूरी करे। मैं यही चाहूँगी कि मैं रव चाहे नहीं रव लेकिन मेरे गुलशन का नाम दुनिया च रवे। मैं गुलशन की कजन सिस्टर बोले रही हूँ। गुलशन शुरू तो ही टैलेंटेड है, छोटा होंदा ही बचपन तो ही स्कूल जाता गया है, करता है कॉमेडी करता है स्टेज पर जाता है और हर बारी प्राइज़ लेके आता स्कूलों, टैलेंटेड काफ़ी है, हूँ तक भी सीखने की कोशिश करता है, सानू कट्ठिया नू लैके बैठ जाता है फिर कुछ नवा सीखता है, इधर उधर दी गल्लां सारियां कुछ करके कॉमेडी बना देता है, काफ़ी टैलेंटेड है। असं तो विशिश करने कि अगे जाके होर वधे इन्ना उच्चा चल जाए गुलशन की हर किसी की आवाज़
बच्चे की आवाज़ जबान से गुलशन का ही नाम हो। गुलशन मेरे लिटिल ब्रदर है, काफ़ी टाइम तो प्रोग्राम चल रहा है, उस तो बाद मैं चाहना कि वह होर उपर फेम तो उत्ते जाए, मतलब हर एक जो भी चाहता है वह मिल जाए, बट वो स्टार्टिंग तो बचपन के टाइम तो ही रामलीला करता है, परफॉर्मेंस दिता उन्हें अपना जो जिन्ना बेस्ट हो सकता उन्हें दिता है, और काफ़ी टाइम तो साढ़े को प्राइजिज पे है, सर्टिफिकेट्स पे है काफ़ी, जिन्ना कि जो कि साढ़े घर वास्ते साढ़े सोने के समान ही गोल्ड कह सकते हैं, गोल्ड पर गुलशन ही गोल्ड है दोस्त, मतलब मेरे मम्मी पापा जड़े वो चाहते कि साढ़े दोनों मुंडे गोल्ड ले घर चमके दसन, कि ए नहीं कह कि जो लोग सू समझते ना कि उस तो डिफरेंट का होकर दसीए बन के दसीए कुछ, कि अजन गुलशन गुलशन का थोड़ा फेम होया कि कल नीरज का भी आए कि नहीं दोनों ब्रदर काफ़ी टैलेंटेड है गया, और आने वाले गली नहीं मैं कहना कि पूरा इंडिया देखे कल कि गुलशन अज के टाइम से टीवी से नहीं एल सी डी आ रहा, एल सी डी से नहीं प्लाजमा से आ रहा, कि उन्हें करके दसिया कि वे कई फ्रेंड्स है काफ़ी टाइम टीवी भी आते हैं, अपना कुलीक है अतरी सर है वो अपने कमेडी आ चुका, कमेडी प्रोग्राम होता है गुलशन के काफ़ी कुलीक है, बट उन्होंने गुलशन का टाई अप है से पहले ही फ्रेंड सर्कल है एस डी कॉलेज पढ़े पढ़े रहे गुलशन ज़्यादा फ्रेंड मैनू मे फ्रेंड ये कहें कि यार भैया आप गुलशन के भाई हो, मैनू थोड़ा फील हों बट थोड़ा बाद प्राउड भी होंगे कि गुलशन ने करके दसा यार कुछ कि वो मेरे को दो कदम अगे चल रहा है, जो मैं चाहता ही उन्हें मेरे को पहला परफॉर्मेंस देता है काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा आदतें बहुत अच्छी हो रही साड़ी इज्जत करता बड़िया छोटिया सारे जिते भी मिलेगा बाजार च मिल जाएगा मदद करेगा हेल्प करेगा सारे की आदत बहुत अच्छी है, असं चाहते हैं बस साढ़े वालों तो रब दे अगे यही अरदास है भगवान उन्होंने तरक्या तो लैके जाए सर्कल है फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छा फ्रेंड है वो इतना की क्लास बैचमेट जे बच्चे फ्रेंड वो रह चुके हैं वो भी इतना तक कि मैं उन्होंने मिलना वो कहता कि भैया गुलशन की करता मैं बोले यार वो तो स्टडी तो ढे की है बट हूँ परफॉर्मेंस दे रहे टीवी जा रहा कहना भैया कल पता लग गया इतना तक कि उन्होंने मैं तो थोड़ा कन्फर्म भी नहीं कि गुलशन टीवी जा रहा उन्होंने फेसबुक पर फोटो शेयर की जिन्हें मैनू कन्फर्म होया कि यार सच्ची आ गया वो मैं पहले कन्फर्म नहीं समझता मम्मी पापा कहते भाई भाई यार वो जाता रहा कभी अपने फ्रेंड सर्कल ना कि देता परफॉर्मेंस छोटा मोटा मतलब कि मैं समझते कि मतलब अपने फ्रेंड सर्कल जरा गया वो मतलब थोड़ी देर वास्ते उन्होंने लै गया इतना ही कमेडी करने में कोई शो है छोटा मोटा बट जो फेसबुक लाइक्स कमेंट बजन लग पे है वो शेयर अप हो गया फोटो का फिर लगे कि नहीं यार करके तो कर पा रहा कुछ कर रहा करके दसा तुम्हें लगन दिया गुलशन कुछ कर डन कर पा रहे हूँ इतने अपने मोहल्ले से आए हैं जिले में भी है मतलब पूरा लाइव शो देख रहे हैं मैं चाहता कि उन्होंने भी कोई विशिश हैगी है कि गुलशन या किसी को भी साढ़े घर चो मेरे मम्मी पापा भी लाइक करते पे है उन्हें उन्होंने बदौलत ही है कि अभी इतों तक पहुँचे हैं अज न उस तो पहला थोड़े दिन पहला भी गल है मैं रोड से फ्रेंडा ना खड़ा ही वो कहते यार तेरा भाई ना सच में आ गया मैं यार मैं यही चाहना कि वह होर अगे चलते मेरे अगे रहे मैं प्रिंसिपल रिटायर्ड IDST सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये जान के मैं बड़ी खुशी हुई है कि गुलशन कुमार जड़ा कि 8th दे विच साढ़े को आया सगा एक नहायत टैलेंटेड बच्चा सगा और छोटे जिहा कादे दा ते स्टेज ते भज के चढ़ जांदा सगा और पूरे स्टाफ ने इस नूं मोटीवेशन दित्ती और जदों ये मैं पता लगा कि अज क्वार्टर फाइनल च पहुँच गया तो बहुत ही मन में खुशी हुई तो मैं चाहना कि पठानकोट का नाँ रोशन करे स्कूल का नाँ रोशन करे अपने पेरेंट्स का नाँ रोशन करे तो ये फाइनल जीते और मेरी ये भी इच्छा है कि जिस एक गरीब परिवार तो बिलोंग करता है बच्चा इनू जे परमात्मा ने एक बख्शीश दिती है हुनर दी एक्टिंग दी तो उहदे विच वध चढ़ के ए सफलता प्राप्त करे और मेरिया शुभ इच्छावां इहदे नाल माय नेम इज जतिन एंड गुलशन मेरा ब्रदर है लाइक ब्रदर है फ्रेंड है मेरा बट जिस तरह कहते ना कि ब्रदर होंदा लाइक ब्रदर है तो बहुत ही वधिया फ्रेंड है मेरा तो मैं नेबर भी आया इहदा गुलशन का आपां इकट्ठे पढ़े हाँ स्कूल च भी पार्टीसपेट करता सी
हर बार पार्टीसपेट देखने जाता सी मैं बहुत ही मतलब कि दिल में बहुत खुशी होती सी कि वाकई यार चलो अपना इन्ना बढ़ चढ़ के नहीं अगे मतलब स्टेज पर कर सकते चलो साडा फ्रेंड है बहुत अगे बढ़ चढ़ के कर सकता है कॉमेडी करता से आप बहुत खुश होंगे से आप कहते चल यार तू कॉमेडी करना तेरे टैलेंट है तू अगे अगे बढ़ता से करता से बहुत वधिया लगता है सानू बड़ी खुशी होंगी सी मन हूँ अज नू टी वी से आ रहा तो यह चीज़ में सुनते देख के टी वी देखते हैं जो तो बहुत ही ज़्यादा मनु खुशी होंगी है तो मैं यही चाहना कि गुलशन वो तो वक्त तरक्की करे तो उचाइया छूए गुलशन का फ्रेंड हाँ असी अठवीं क्लास तो नाल पढ़े हाँ तो गुलशन जो है शुरू तो ही स्टेज परफॉर्मेंस दिता रहा और हर परफॉर्मेंस में ये अपने आप टैलेंट जो है बड़े बखूबी तरीके निभाता रहा तो धीरे धीरे हौली हौली करते जिदा कॉलेज में गए असी उ भी इन्हें काफ़ी पार्टिसपेट किए एक बार फंक्शन होया होस्ट भी किया तो काफ़ी टैलेंट है ये तो इनू शुरू तो बड़ा शौक से टी वी आन का तो कहते हैं कि मैं अपने आप को साबित कराँगा तो अपना नाम और अपने घर का नाम रोशन कराँगा तो अज देख लो तुम ये क्वार्टर फाइनल च आ गया तो मेरी भी दिल और ख्वाहिश है ही कि अपना नाम रोशन करे अपनी फैमिली का और साढ़े पठानकोट का नाम रोशन करे वो हमेशा शुरू से चाहते थे कि वो टीम में आए और आज उनका सपना पूरा हो गया एंड हम पहले सोचते थे कि मतलब कि पहले कि ये हमें यकीन नहीं हुआ पर जब हम फेसबुक व्हाट्सएप पे देखने लगे फिर हमें पता चला कि ये पॉपुलर हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि अभी लाइफ डेस्टिनेशन पे मतलब पहुँच सकें और जो ये चाहते हैं वो पूरा कर सकें थैंक यू और गुलशन भैया काफ़ी कॉमेडी करते हैं और हमारे साथ बैठते हैं तो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो आगे जाओ और अपने देश का नाम रोशन करो और काफ़ी हमें कॉमेडी सिखाते हैं और बताते हैं ऐसे किया करो वैसे किया करो और हम चाहते हैं कि बड़ा आगे जाएं। मैं डॉक्टर शमशेर सिंह पेशे तो प्रोफेसर गुलशन एक बड़ा होनहार बच्चा है और एक बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है यह बचपन तो ही स्टेज पर परफॉर्म करन दा इनू बड़ा शौक रहा स्कूल टाइम तो भी तो मेरा पड़ोसी होंदे नाल नाल मैं इनू बच्चे नू प्रोत्साहित भी करता रहा तो नाल नाल मैं इनू देखता भी रहा कि कई घर दियां परिस्थितियां तो भी उठ के भी लोग अपने जिहड़े अपनी जिहड़ी टैलेंट है इनू उन्हें जागृत जिंदा रखा है तो मैं डी डी पंजाबी चैनल वाले नू भी धन्यवाद करा कि उन्हें इदा के बच्चों अवसर दिता है कि वो कुछ अपने जीवन के अपने टैलेंट नू जीवित रख सकन ते वधिया कुछ कर सकन ते अब बच्चा मेरा दुआवां सारे शहर दियां दुआवां सारे महल दियां दुआवां इहदे नाल हैगियां ते किस्में कितना है दम दे नाल ही मैं कहांगा गुलशन में है बहुत दम। हैलो माई सेल्फ मनी मैं गुलशन भैया की छोटी भैन हूँ और मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरे भैया इतने टीवी शो में जा रहे हैं। हम ये चाहते थे बचपन में हम ये सोचते थे कि हाँ काश हमारा भी घर में कोई ऐसा हो कि जो टीवी पे जाए हमारे परिवार का नाम रोशन करे। अब ये इतनी खुशी होती है जब ये सुना हमने कि भैया अब टीवी शो में जा रहे हैं। अब हम ये सुन के हमें ये खुशी हो रही है कि अब हमारा ये सपना भी पूरा हो रहा है कि हमारे परिवार से कोई ना कोई जा रहा है उधर टीवी में। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई आगे से बहुत दूर तक जाए और हमारे पूरे परिवार का नहीं पूरे पठानकोट का नाम रोशन करे। और मैं यही कहना चाहती हूँ भैया बेस्ट ऑफ लक और मेरी तरफ से तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक बड़ा बड़ा। और बस मैं यही चाहती हूँ भैया आगे से आगे जाए। हम ये भैया रोज़ हमारे घर आते हैं और ये भैया जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मजाक करके जाते हैं हमें हंसाते रहते हैं। हमें ये भी कहते हैं कि पढ़ाई भी करो और हमें ये भी कहते हैं कि आप भी कोई एम रखो और आगे से आगे जाओ। जैसे मेरा था एम कि मैं कॉमेडी बनूं और वैसे ही आप भी कोई एम रख लो कि आप भी आगे से आगे जाओ आप भी नाम रोशन करो कि मैं भी आगे जाके कहूँगी हाँ मेरे भाई बहन ऐसे है। जैसे आप अभी कह रहे हो कि हाँ मेरा भाई टीवी पे जा रहा है मैं भी अभी अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ कि हाँ मेरा भाई इतना टीवी शो में जा रहा है तो वो भी बहुत खुश होती हैं कि हाँ तेरा भाई इतने बड़े शो में जा रहा है कि
इतनी तू तो फिर बड़ी लकी है बहन की तेरा भाई इतने टीवी शो में जा रहा है। वो कहती है काश हमारा भाई भी ऐसा होता। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं लकी हूँ कि मेरे भैया मुझे ऐसे भैया मिले हैं जो अब टीवी में जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ कि भैया ऑल द बेस्ट और आगे से आगे जाना। मैं भारती, मैं गुलचंद भैया की छोटी बहन हूँ। मेरे को बड़ी खुशी है कि वो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ये आगे और बढ़ें। इनको मेरी तरफ से बड़ी बेस्ट ऑफ लक है। ये हमें भी ये बताते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो, आप अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। बस मेरी तरफ से यही है कि ये आगे आ सकते हैं। मैसेज मानवी और मैं ये मेरी कज़न भी है, गुलशन मेरी कज़न भी है और ये आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे घर का नाम रोशन करते हैं और इससे हमें बहुत खुशी है। सो एट लास्ट वी आर बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल। मैं तुम्हें कहना चाहती हाँ कि कोई भी काम औखा जो सौखा नहीं होंगे पर उन्होंने करने का तरीका होना चाहिए। सो अं हूँ सीखिया कि गुलशन भाजी ने इन्नी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद इस ये स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और मैं अं जो भी कितने जाते और गुलशन भाजी कोई भी पार्टीसपेशन होंगी सी उसे जरूर पार्टीसपेट करते और कुछ ना कुछ हासिल करते ही उतो स्थान प्राप्त करते ही। पर हूँ मैं एक दिन मैंने गुलशन भाजी कहें कि निशा कि लाइक मारी मेरी ना वे तो मैं सोचा कि यार इदा ही ना मजाक करते पे आ। मैं ना सीरीयस नहीं लिया इन्हों की गल में। तो जो अज मैं पता लगे ना कि मम्मा ने दसिया कि गुलशन सिलेक्ट हो गया, मैं इन्नी ज़्यादा खुशी हुई कि यार उस दिन मैं इग्नोर मारता इन्हों की गल में कि नहीं यार इदा मजाक करते पे है। पर अज जो सीरीयसली मेरे सामने वो चीज़ आई मैनू बहुत खुशी हुई कि यार चलो गुलशन भाजी बहुत वड्डी अगे तरक्की करन अगे अपने मम्मी डैडी का अपने महल्या का जिदा भी है पूरे शहर का पूरे इंडिया का नाम रोशन करन। और मेरी तो यही ब्लैश हैगी है कि गुलशन भाजी तुम अगे तक जाओ, अगे तक नाम रोशन करो सारे का और थैंक यू एंड गॉड ब्लैस यू। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं इन्नी की खुशी हुई कि मेरा बेटा टीवी शो पे आ रहा है और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए सभी की प्रार्थना कि आगे से आगे बढ़े। एक अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा है, बहुत काम अच्छे कर रहा है। तो ये पहला होंगी रही रामलीला वो भी बहुत कमेटी कमूटी करता रहा तो अं बहुत खुश होंगे ही। हूँ यदि चॉइस है कि मैं सारे तो उच्चा बना, सारे का नाम रोशन करा, आंटिया का भी मम्मी पापा का भी तो साढ़ा भी आशीर्वाद ये नाल है भी ये उच्चा बने टीवी पर आए तो साढ़ा भी आशीर्वाद। मैं क्या सुनिया ठेका दे रहे हो तुम, मैं क्या महाराज गुलशन नू एक्टिंग दा बचपन तो ही बहुत शौक है। जो मर्जी कर लो महाराज बना लांगे, बोली बनाना ना बना लांगे, कईयां दे फुल बनाए हले। अच्छा मेहर मित्र साहब जी फुल बनाने चल जाते, उस तो बाद फुल फुल बनता नहीं तो मेहर मित्र साहब जी उन्होंने फोन आता उत्थे भइए भेज दिंदे सफेदी करन ताईं, भइए जांदा अरे बाबू जी हम इधर आती हमें फूल तो नजर नहीं आती। ढूंढे हो रही है लोग ही लेकर आप ही लेकर मरना तो है ही है तमन्ना पूरी कर लो एक ही बेले लो बस एक ही बेले लो बस एक ही बेले लो कुआं आ गया मुझे लगने में पुनिया मुझे हुन गुलशन इस मंच द्वारा KKHD दे मंच द्वारा अपना ना दुनिया दे सामने पेश करना चाहता है। हुन गुलशन KKHD ਦੇ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ KKHD ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
सब तो पहले जो अखबार के यी ऐड आई किसमें कितना है दम, तो जिस तरह ही मैं उन्होंने पढ़िया तो मैं इन्नी खुशी हुई कि अज ये मौका मेरे वास्ते आया है। तो जिदा ही मैं उन्होंने देखा तो वो जिदा कि डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग दे काफ़ी ज़्यादा बच्चे पार्टिसपेट कर रहे हैं, जिदा कि और मैं एक्टिंग का किया। पहला मेरा ऑडिशन MCM कॉलेज बलसुआ के होया, उत्थे वरुण बंसल साढ़े प्रोड्यूसर है तो उन्होंने सानू देखा, उन्होंने सानू देखने के अनुसार फस्ट राउंड तो बाद आप सैकेंड राउंड आए हैं, सैकेंड राउंड तो बाद थर्ड राउंड आए हैं, हूँ मैं इसलिए क्वार्टर फाइनल राउंड पहुँच चुके हाँ, तो हूँ साड़ा क्वार्टर फाइनल राउंड हो जा रहा है। तो मैनू मेरी शुरू तो ही अरमान रहा कि एक्टिंग के दौर में जाने ले, ते मतलब कहता कि जिस तरह कि स्कूल के टाइम के रामलीला तक मतलब कि मेरे एक्टिंग का दौर चलता ही रहा। तो यही कि मैं काम भी करता पाया मैं नाल, लेकिन मैनू एक्टिंग का मेरा ज़्यादा शौक है, बचपन तो लैके अज दिन तक बहुत ज़्यादा शौक है। तो बचपन जिदा कि मैं स्टार्टिंग तो अपना किया जिदा कि गोल गप्पिया का फस्ट मेरा उ गोल गप्पे बेचता ही मैं स्कूल के, जिदा काफ़ी बच्चों ने पार्टिसपेट किया, कई कुछ बने कई कुछ बन के आए। तो मैं अपनी मम्मा ने पूछा मम्मा जी मैं की बना, मम्मा कहती बेटा तू गोलगप्पे की ऑडिशन दे दे। मैं मम्मी मैं गोलगप्पे फिर गोलगप्पे कराँगा, कहते हाँ बेटा तू गोलगप्पे करेगा, मैं ठीक है। सारे बच्चे इतना अच्छा बन के आए हुए थे जैसे कोई परी बन के आया हुआ था, कोई कुछ बन के आया हुआ था, लेकिन मैं गया, मैं भी जाके फिर कुछ नहीं किया, मैं सीधा स्टेज गया नाल ही मैं कर दिया गोलगप्पे चाट वाले। तो मैंने जैसे ऐसा किया तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो जब हम सभी बच्चे मुझे मालूम था कि आज इसको मिल सकता है, आज इसको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन जब उन्होंने कहा ना फर्स्ट प्राइज गुलशन को मिल रहा है तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता था। फिर लेकिन मैंने आगे आगे मैं करता रहा, जैसे कोई भी फंक्शन होना कोई भी डांस होगा जैसे स्कूल में, फिर उसके बाद मैं अपने SD स्कूल में चला गया, वहाँ पर जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर स्कूल के टीचरों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा संयोग किया और मैं बहुत ही चलता रहा। और KKHD किसमें कितना है दम ये एक ऐसा मेरे लिए प्लेटफॉर्म है कि आज मैंने यहाँ पर कदम रखा है, तो जैसे साईं बाबा जी कुछ करेंगे वैसा चलता रहूँगा। सर मेरा एम है एक्टिंग, जैसे कि किसी भी जैसे कि इस दौर से मैं चल रहा हूँ आगे आगे मैं चलता जाऊँ, जैसे कहीं भी जैसे कि मुझे थोड़ा सा काम किसी भी तरह का काम मिले मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ। बस मेरा यही विशेष है कि मैं जहाँ मुझे कहीं भी काम मिले तो मैं जाऊँ और उनके साथ संयोग के साथ काम करूँ, जैसे कि स्कूल टाइम में भी सभी के साथ मिल के काम किया है, वैसे ही मैं अपनी टीम के साथ KKHD के किसमें कितना है दम दे टीम के नाल मैं मिलजुल के काम करना चाहना है। मैं KKHD विच क्वार्टर फाइनल जिस तरह की पहुँच चुका हाँ, मैं सैमीफाइनल नहीं फाइनल दे विच जाके पहुँचागा, तो इतों मैं विन होके आवाँगा, अपने पठानकोट शहर का नाम रोशन कराँगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कराँगा। साढ़े स्कूल दे विच एक दिन मैं गया स्कूल पढ़न, मास्टर बैठा था, अटेंडेंस लगती है 3 बच्चे ही अहीं, कहता चकला आया जैस सर, बेलना आया जैस सर, प्राग जैस सर, कोहली सर कोहली नहीं आई, ठीक है। पहला पीरियड लग जाता और हिंदी का, हाँ जी बच्चे कि बच्चा सिहार है देखे जाएगा, तुम इदा करो एक प्रार्थना पत्र सुनाओ, चल भी चकले तू सुना, सर जी मेरी बारी, हाँ जी हाँ जी सर जी ताड़ी है और किन्ने सुनाना, मैं थोड़ी सुनाना सर, ठीक है सर, सेवा में कोमा उस तो थलड़ी लैंच फिर कोमा, उस तो थलड़ी लैंच फिर कोमा, फिर एक डंडा जी, फिर एक कोमा जी, फिर एक डंडा जी, सर एक कोमा जी आपका क्या करी कोमा रोल नंबर डंडी, ओए ये कोमे डंडिया की है सर जी, हले कोमे डंडिया याद कीतियाँ बेच रामी के याद करने वाला, जल्दी कर ली मैं मास्टर बड़ा खतरनाक है, टन घंटी वर्ग जी पीरियड चेंज। गुलशन स्कूल विच भी कई प्रतियोगिताओं विच भाग ले चुका है, शहर पठानकोट विच होने वाली रामलीला विच भी एक्टिंग दे जोहर दिखा चुका है। उसके अध्यापक स्कूल दे प्रिंसीपल अते परिवार दा बहुत सहयोग है। गुलशन हाँ जी मैं कि जड़ा DD पंजाबी दे विच
उन्हें एक्टिंग का ऑडिशन थोड़ा दिता सी। यह साढ़े को 2003 दे विच 8th क्लास दे विच आया सी। 10th ने 2005 दे विच कीती और प्लस टू है 2007 दे विच करके यह विकेट हो गया सी। जिले स्कूल दे विच सी उसले भी यह साढ़े स्कूल दे जिहड़े प्रोग्राम हुंदे सी जिला लैवल दे जां तहसील उहदे अपने जोन लैवल दे उन्हां दे विच भी यह मतलब कि जाके भाग लैंदा सी। उहदे लई किन्हां ने जिहड़े साढ़े पहले मतलब कि टीचर से उन्होंने नाल मतलब कि जाके शीलडा वगैरह भी जितिया मैं तो काफ़ी प्राइज जितया वा। सानू यह बड़ी खुशी हुई है कि इन्हें डीडी पंजाबी दे विच एक्टिंग दे लई एडिशन दिता उहदे विच तीसरे नंबर पर आया वा और इन्हें स्कूल साढ़े का नाम है जिहड़ा रोशन किया वा। साड़ियां यही बेस्ट विशिज है कि वह अगे भी इस तरह ही एज जिहड़ा साढ़े स्कूल का नाम है जिहड़ा और अपने माँ प्यो का नाम और अपने सारे परिवार का नाम है जिहड़ा और रोशन करे कि इहदे नाल सानू बड़ी खुशी है। तुसी आए हो तुहाडा बड़ा धन्यवाद। मेरे यार दोस्त छुट्टियां करने जाते हैं कभी घर मामे घर उत्थे जा मेरा सुखा कहता यार तू क्यों आया ना हाँ हो यार क्या किया यार कहता साढ़े पिंड कहता अज जाबू है मैं जाबू भाई यार मैं कहते जाबू से तीन चार रोज स्टैप लाने से तू आते हैं मैं चल ठीक है कर लाँगे मैं चल गया मैं बारी पर सी खटन गया सी खटके लिया दाल लड्डू बारी पर सी खटन गया सी खटके लिया दाल लड्डू कहता यार ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੋਹਣੀ।